जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ जी, जय बाबा जी। हाँ सर, बोल रहे, मेरा मेडिकल पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मेडिकल हो गया आपका? हाँ, मेरा मेडिकल हो गया। बहुत बढ़िया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ पे करवाया कलकत्ता में? हम कलकत्ता में करवाया बारा नगर वापारा स्टेट जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब है? हाँ हाँ। कितना टाइम लगा? मेरा टाइम लगा एक दिन। एक दिन क्या क्या चेकअप हुए? मेरा हुआ था PFT। हाँ, ब्लड आपका लगा हुआ, शुगर, आपका पीपी, बीपी, सीटी, और तीन था। अच्छा, थायराइड। कितना पैसा लिया आपसे? पैसा तो एक भी नहीं लिया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एड्रेस आपने बता दिया, मतलब और भी था, चेस्ट एक्से था। अच्छा अच्छा, था इको भी किया? हाँ, इको भी किया। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, कोई भी पैसा नहीं लगा और अच्छे से मेडिकल हो गया एक दिन में? हाँ, पूरा मेडिकल हो गया और बॉडी चेकअप भी हो गया। अच्छी बात ही होगी, पूरा बॉडी चेकअप। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत मेरा हुआ था चार दिन पहले। अच्छा अच्छा, मैं चार दिन पहले आपको फोन कर रही थी लेकिन नहीं लग रहा है। मैं आज ही फ्री हुआ हूँ, कल भी हम मेडिकल गए थे, आज दोपहर को आ गए, आज फ्री हो गया। आपका पूरा वीडियो दिख गए इसलिए। अच्छा। पूछ रहे थे कि हम बैंक में भी गए थे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। तो कोई भी बैंक मुझे बात नहीं कर, अभी बात नहीं करेंगे बैंक वाले, क्योंकि बैंक वाले ना एक या दो तारीख के बाद ही काम शुरू करेंगे। तो उससे पूछने गए थे, वो भी कुछ भी नहीं बोल रहे, पूरा खामोश। मैं आपको तरीका बताता हूँ, बैंक में ना कभी भी नीचे वाले अधिकारी से बात मत करो, ऊपर जाओ सीधे ना। देखो, बैंक के अधिकारी हम सबके लिए बैठे हैं ना, आप जाके पूछो कि सर ऐसे ऐसे श्री अमरनाथ यात्रा का आपके बैंक का नाम आया है, ठीक है? तो आपके बैंक में फॉर्म आए हैं, ये तो कंफर्म होगा आपको, ठीक है? आप 10 दिन बात करोगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे कंफर्म कर दो कि फॉर्म आए हैं, मुझे फॉर्म मिल जाएगा क्या? तो मैं आपके भरोसे बैठा रहूँ, जब आप बुलाएंगे जब आ जाऊंगा, है ना? ऐसे ही बोला था मैंने, बात नहीं करो कर नहीं रहे बात नहीं। एक काम करो ना, शाइन, अच्छा अभी शाइन बोर्ड भी नहीं मानेगा क्योंकि अभी तो मेडिकल चक्कर में सब परेशान है। कोई बात नहीं, तुम वेट कर लो, होली के बाद देखना फिर, है ना? ठीक है, 1 तारीख को तो होगा ही, देखेंगे 1 तारीख के बाद। हाँ हाँ, होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात। बात पूछना था मेरा, इधर से कलकत्ता से कोई भी ट्रेन नहीं मिल रहा है, पूरा ट्रेन बंद है कोविड के लिए। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, कोई भी ट्रेन नहीं मिल रहा है, हम दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ, कलकत्ता से पूरा सब ट्रेन बंद हो गया, हम ट्रेन बुक करने जा रहे हैं, पूरा ट्रेन बंद है, कोई भी ट्रेन नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा, हम क्या करेंगे? बस से दिल्ली तक, दिल्ली से अवेलेबल है ना ट्रेन? हाँ, दिल्ली से हमारे वाली जो ट्रेन है उसमें 3 सीटें अभी। ठीक है, वही बात करना था मुझे, कर लीजिए आप। ट्रेन, हाँ, बस से जाना होगा। अच्छा, बस से? हाँ, क्या करेंगे, इधर से तो ट्रेन नहीं मिल रहा है ना। सही है सही है, दिल्ली से बुक कर लीजिए, बाकी तो देखो भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अब तक नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ ना। और बोल रहे सर, केदारनाथ जाने के लिए एक साथ ही मैं केदारनाथ भी जाऊंगा, तो क्या करूंगा? केदारनाथ मैंने नहीं गया था। हाँ कोई बात नहीं, बाबा अमरनाथ जी वापस आएंगे ना, तो उसके बाद प्लान कर लेना वहाँ का। कोई आने का टिकट जो आप दिल्ली तक का करा लो, है ना? दिल्ली से हरिद्वार बस चलती है, आप आराम से हरिद्वार जाना, और हरिद्वार से भी केदारनाथ जी का अपना करके आना यात्रा आराम से, फिर आराम से कलकत्ता जाना। सिर्फ केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जी जाना है? सब सब पूरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तापोवन। अच्छा, पूरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वही आप वापसी का टिकट मत कराओ अपना, आने आने करा लो, और हमारे साथ ही या दूसरी ट्रेन में कोई सस्ती ट्रेन मिल जाए उसमें 1000 रुपए, तो आप दिल्ली तक का करा लो, दिल्ली से हरिद्वार करा लो, या सीधा कोई हरिद्वार का मिलता हो, जम्मू से डायरेक्ट हरिद्वार मिलता हो तो जम्मू से हरिद्वार करा लो। मैं गेट पास लूंगा 28 तारीख का। अच्छा, गेट पास? अच्छा अच्छा, इसका लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके साथ ही तो चले जाऊंगा फिर। हाँ, 29 कोई दिक्कत नहीं है, जो बंदा 28 का गेट पास लेगा वो 29 को हमारे साथ भी कर सकता है, लेकिन 30 वाला 29 को नहीं कर सकता है, ठीक है ना? हम जानते हैं वो, आपने सारा वीडियो देखा है, ठीक है भैया, ठीक है, पूरा वीडियो देखा। हाँ, बाकी आपका रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब पे, तो कलकत्ता कोई कमेंट आएगा तो उनको रिप्लाई कर देना, कोई पूछे क्या काम है। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।